अगर आपको खांसी या दम फूलने या दमा जैसे रोग है तो यह नागफनी आपके लिए काफ़ी लाभदायक पौधा है नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ नागफनी का प्लांट मैं आज इसी से होने वाले फायदों के बारे में आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों ज़्यादातर लोग नागफनी का पौधा घर में शो पीस के तौर पर लगाते हैं तथा इसका रख रखाव भी बेहद तरीके से करते हैं यह नागफनी का पौधा झाड़ूनुमा होने के साथ साथ इसमें कांटे भी होते हैं दोस्तों ऐसे स्थानों पर यह पाया जाता है जहां पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है यही कारण है कि मुख्य रूप से यह उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका और वेस्टइंडीज में अधिकतर पाया जाता है यह भारत में कुछ मरुस्थली इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है इसके कई प्रकार तथा कई प्रजातियां भी हैं इसमें कई प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी खेती काफ़ी विशाल तौर पर की जाती है ताकि औषधीय और, और सजावट के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सके यह कम पानी में भी हरा भरा हमेशा रहता है और सेहत के दृष्टि से देखा जाए तो यह हम सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद औषधि है तो दोस्तों अब आइए विशेष रूप से इसके फायदों के बारे में जानते हैं दोस्तों इस नागफनी के पौधे को फाइबर का खजाना कहा जाता है इसलिए नागफनी का सेवन करने से आपको लंबे समय तक भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसके साथ ही यह आपके शरीर में मौजूद अतिरिक्त वसा को भी कम करने में काफ़ी काम करता है तथा इससे मोटापा भी कंट्रोल रहता है इसके अलावा इसके औषधीय गुण लीवर को स्वस्थ रखने और इन्हें संक्रमण क्षति से बचाने में काफ़ी सहायक है इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लीवर को स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद करता है इसके साथ ही अगर आपको खांसी या दम फूलने या दमा जैसे रोग है तो यह नागपनी आपके लिए काफ़ी लाभदायक पौधा है बस 10 मिली इसके रस को साढ़े तीन ग्राम मधु यानी शहद में सेवन करने से इससे खांसी यानी दम फूलने जैसी समस्या में काफ़ी लाभ मिलता है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जानकारी को लेकर